दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी लैपटॉप या फिर पीसी के कीबोर्ड के फॉल्टी की को कैसे डिसेबल करते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे लैपटॉप या फिर पीसी के कीबोर्ड का कोई भी एक की खराब हो जाता है, जिसके वजह से हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर में कोई भी काम सही से नहीं कर पाते हैं। जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो फॉल्टी की ऑटोमेटिक टाइप होने लगता है, जिसके वजह से हमारे कंप्यूटर में सारा काम ठप हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके भी लैपटॉप या फिर पीसी के कीबोर्ड का कोई भी एक की खराब हो गया है तो आप उस फॉल्टी की को बहुत ही आसानी से डिसेबल कर सकते हैं और आप अपना काम टेंशन फ्री होकर कर सकते हैं। इसको कैसे करना है ये जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए आप इसको लाइक करना, इसको शेयर करना। अगर दोस्तों ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे नए नए वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको ये पता है कि आपके लैपटॉप या फिर पीसी के कीबोर्ड का कौन सा की खराब है, फिर उसको डिसेबल करना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप श्योर नहीं है कि आपके कीबोर्ड का कौन सा की खराब है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है जैसे कि अगर आपके कीबोर्ड का कोई फंक्शन की खराब हो जाए, फिर उस वक्त थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक फंक्शन की के साथ बहुत सारा टास्क जुड़ा होता है। या फिर दोस्तों अगर आप पहले अपने कीबोर्ड के सभी की को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपके कीबोर्ड का कौन सा की सही है और कौन सा की खराब है, फिर उसके लिए दोस्तों पहले आपको यहां पे अपने ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर में आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। फिर आपको दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है जिसका नाम है कीबोर्ड टेस्ट। इसका साइज दोस्तों सिर्फ 2.5 MB है, और दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। फिर आपको इसको डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद से जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको पूरा कीबोर्ड दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने कीबोर्ड के सभी की को बारी बारी से प्रेस करके चेक कर लेना है कि आपके कीबोर्ड का कौन सा की सही है और कौन सा की खराब है। यहाँ पे देखिए मैं अपने कीबोर्ड पे शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। आप यहाँ पे सभी की को देख सकते हैं, और जो भी की मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं उस की के साथ आपको यहाँ पे ग्रीन शो कर रहा है। ग्रीन का मतलब दोस्तों ये है कि ये की बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे ग्रीन के जगह पर रेड शो करता है इसका मतलब कि ये फॉल्टी की है। तो आपको ऐसे ही अपने कीबोर्ड पे सभी की को बारी बारी से प्रेस करके चेक कर लेना है। जैसे कि दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपके कीबोर्ड पे ये आर बटन यहाँ पे खराब हो गया है, आर की खराब हो गया, अगर आपको इसको डिसेबल करना है तो उसको आप कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको ये सब चेक कर लेना है, फिर आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपके कीबोर्ड का ये की यहाँ पे खराब है, उसके बाद से उस की को डिसेबल करने के लिए अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दोस्तों फिर से अपने ब्राउजर को ओपन करना है। दूसरे टैब में आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है जिसका साइज है दोस्तों सिर्फ 280 KB। डाउनलोड करने के बाद से दोस्तों अब आपको इस पे डबल क्लिक करना है और इसको आपको ओपन कर लेना है, और इसका इंटरफेस दोस्तों आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ कीबोर्ड पे कीज के जगह पे आपको नंबर्स देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर किस की के लिए है। तो इसको पहचानने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने माउस के कर्सर को इन नंबर्स पे लेके जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए मैं अपने माउस के कर्सर को यहाँ 34 पे लेके जाता हूँ, नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ ये एफ की है, 35 पे लेके गया जी की है, 36 पे लेके गया ये एच की है। तो ऐसे आप अपने माउस के कर्सर को इन सभी नंबर्स पे ले जाकर आप पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर किस की के लिए है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आप अपने कीबोर्ड के किसी भी की को कैसे डिसेबल करेंगे। तो मुझे दोस्तों अपने कीबोर्ड पे आर की को डिसेबल करना है, तो यहाँ पे देखिए मैं अपने माउस के कर्सर को 20 पे लेके गया, ये आर की है, इस पे क्लिक करना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको डिसेबल की का बटन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद से आपका वो की डिसेबल हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक वार्निंग दे दूं कि आप अपने कीबोर्ड के जिस भी की को डिसेबल करेंगे उसके बाद से अगर आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी में एक्सटर्नल कीबोर्ड को भी यूज करेंगे तो उस एक्सटर्नल कीबोर्ड में भी वो की काम नहीं करेगा जिसको आपने डिसेबल किया था। उसके लिए पहले आपको यहीं पे आकर के उस की को इनेबल करना होगा। कैसे इनेबल करेंगे ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए पहले अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के बाद से दोस्तों अब चलिए मैं चेक करता हूं कि मेरे कीबोर्ड का आर की डिसेबल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं यहां पे कीबोर्ड टेस्ट को ओपन करता हूं। अब यहां पे दोस्तों आप देखिए मैं अपने कीबोर्ड पे आर की को प्रेस करता हूं। जब मैं आर की को प्रेस करता हूं तो आप यहां ऊपर में देख सकते हैं आर के जगह पे पावर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहां नीचे आर की के साथ ना ही ग्रीन और ना ही रेड शो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरे कीबोर्ड का आर की डिसेबल हो चुका है। लेकिन जब मैं यहां पे आर के जगह पे कोई दूसरा की प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं वो सारा की आपको यहां ऊपर दिखाई देगा और नीचे उस की के साथ आपको ग्रीन दिखाई देगा। जब मैं उसके जगह पे आर प्रेस करता हूं तो यहां पे सिर्फ पावर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आप अपने कीबोर्ड के जिस भी की को डिसेबल करेंगे वो की एक्सटर्नल कीबोर्ड पे भी काम नहीं करेगा। हाँ वो सिर्फ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे काम करेगा। जैसा कि यहां पे देखिए ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है और मैंने अपने कीबोर्ड पे आर की को डिसेबल किया था। यहाँ पे देखिए ऑन स्क्रीन पे ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अब चलिए जानते हैं कि अगर आपको उस की को इनेबल करना हो तो उसको आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको इस दूसरे सॉफ्टवेयर की ट्विन पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। फिर आपने जिस भी की को डिसेबल किया था उस की के नीचे आपको यहाँ पे अंडरलाइन दिखेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे इनेबल की का बटन मिलेगा आपको इस पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है और आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। फिर वो की आपके कीबोर्ड पे इनेबल हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।